कैसे लग रहा है ये भी, है ना भैया? आपको अच्छा अच्छा लगता है वो निकाल दो, बिल्कुल फ्रेश। अभी मैं जा रही हूँ माल्टा और संतरे के बागान में। पूरे कितने पेड़ है भैया? 300 माल्टा और संतरा मिला के। आज का मेरा पड़ाव है बाज गांव और ये रास्ता वहीं तक जाती है। अभी मैं जा रही हूँ माल्टा और संतरे के बागान में, रास्ता भूल गई मैं। आज मैं पहुंची हूँ बाज गांव और यहाँ पे हमें संतरे और माल्टे के बागान देखने को मिले। यह गांव नेपाल में ही पड़ता है और यह एक बहुत ही दुर्गम इलाका है। और मैं अभी घूम रही हूँ माल्टा और संतरे के बागान में, दिखाती हूँ आप लोग को। मेरे पीछे से देखिए आप लोग, जो देख रहे हैं आप लोग, संतरे का पेड़ है। यहाँ बहुत ठंड है, जो बोला भी नहीं जा रहा। तारचूला से यहाँ पहुँचने में हमें 2 घंटे का टाइम लगा। देखिए आप लोग मेरे पीछे से संतरे संतरे लगे हुए हैं। देखिए आप लोग चारों तरफ से माल्टे और संतरे के पेड़ लगे हुए हैं। इस गांव का नाम है बांस। पूरे कितने पेड़ है भैया? 300 माल्टा और संतरा मिला के। 3000 बोट नया लगा है, रोज जाते हैं मार्केट बेचने के लिए। हाँ, खा के देखो ना ऐसे। हाँ अभी खाएंगे। हाँ, आज मैं संतरे और माल्टे के बागान में खड़ी हूँ और मैं खुद यहाँ के मैं चख रही हूँ कि ये संतरा कितना मीठा है। देखो इतना ताजा ताजा, बिल्कुल फ्रेश, फ्रेश आए लगे हुए पूरा। डायरेक्ट पेड़ से तोड़ के निकालने के बाद तो फिर 10-11 दिन फ्रेश ही रहता है ना, एकदम खराब नहीं होता है। एकदम खराब 10-11 दिन ताजा रहता है। हाँ, संतरे और माल्टे के बागान में आए हैं तो खरीद के ले जाना बनता ही है। चलो, सही लग रहा है ये भी, है ना भैया? आपको अच्छा अच्छा लगता है वो निकाल दो। ऐसे तोड़ते हैं? मुझे तो तोड़ना भी नहीं आ रहा। कैसे तोड़ सकते? निकालो ना ऐसे। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ये। कभी आप लोग बांस गांव घूमने आओगे तो जरूर यहाँ पे आइएगा आप लोग इस बागान पे। देखिए इतने बड़े बड़े संतरे। अब हम लोग जा रहे हैं माल्टा के बागान में। अब यहाँ आई हूँ तो माल्टा भी खरीद के ले जाती हूँ मैं। देखिए मेरे पीछे से संतरे संतरे। अनुज भाई तो देख के लग रहा है एक पेड़ ले जाऊंगा यार घर। जाके छत में लगा देना। छत पे लगा दे। पेड़ को देखे ना ऐसा लग रहा है एक पेड़ ले ही जाऊंगा। और ये है माल्टा का पेड़। इसमें से तो आधे तोड़ दिए लग रहा है। आधा तोड़ रखा है। क्या चीज? माल्टे ना कम घने हैं। और का है माल्टा का? ये भी है ना। यही है? नीचे भी है। नीचे चलो, फिर नीचे चले।
ताजा ताजा वाला ले जाना भाई। नीचे चलो फिर थोड़ा। अब हम लोग आए हैं माल्टे के दूसरे पेड़ में, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा फेस नहीं था। माल्टे आज हमने माल्टे और संतरे तोड़ने का एक्सपीरियंस भी ले लिया। देखिए आप लोग बहुत काटे चुभ रहे हैं। फाइनली हम लोग संतरे और माल्टा तोड़ के आ गए। जब मैं घर पहुंचूंगी आप लोग को दिखाऊंगी मैं संतरे और माल्टे हम लोग कितना लेके यहाँ से। दोस्तों अभी शाम के 3:30 बजने जा रहा है और हम लोग भूखे हैं अभी, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है गांव घरों में एक फिक्स टाइम पे खाना खाया जाता है। सो उन लोगों ने हम लोगों से खाने के बारे में तो पूछा, बट हम लोग आज माल्टा और संतरे के बागान में बिजी रह गए। सो हमें उसी वजह से भूखे रहना पड़ा। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी ये सब झेलना भी पड़ता है। और अगर ऐसे ही आप लोग का सपोर्ट और प्यार मिलता रहेगा तो मैं इससे भी ज़्यादा भूखे रहने के लिए तैयार हूँ। सरला नब्याल ब्लॉग संख्या आप लोग से यही उम्मीद करती है कि आगे भी आप लोग इसी तरह मुझे भरपूर मात्रा में प्यार और सपोर्ट करते रहेंगे, यही मैं आप लोगों से उम्मीद रखती हूँ। आज का मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग से जल्द ही अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे मिलूँगी। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड माय यूट्यूब चैनल सरला नव्या ब्लॉग संख्या को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू। फाइनली मैं घर पहुँच गई। देखिए इतने सारे संतरे और माल्टे एकदम से फ्रेश, देखने में जितना फ्रेश लग रहा है खाने में इतना टेस्टी है ये संतरे माल्टे।